स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और ए नोट। तो हम चेक करेंगे जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए हम इसको वैल्यू को चेक करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है n प्लस 5 और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है 19। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट कर देंगे n की जगह 1। तो जहां जहां n है हम वहां पे क्या लिख देंगे 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 6 और राइट हैंड साइड का इक्वल आया 19। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है n इक्वल टू 1 का। तो हम क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है n प्लस 5 और राइट हैंड साइड पे गिवन है 19। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे वैल्यू n इक्वल टू माइनस 2। तो जहां जहां n है हम वहां पे क्या लिख देंगे माइनस 2। तो ये आ गया 7 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो ये आंसर आ गया माइनस 14 प्लस 5। तो माइनस प्लस माइनस 14 में से 5 निकाल ले तो आंसर आया माइनस 9। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया माइनस 9 और राइट हैंड साइड 19 के है जो नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब n इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है n 7n प्लस 5 और राइट हैंड साइड पे गिवन है 19। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पुट कर देंगे n इक्वल टू माइनस n इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 2। जहां जहां n है हम वहां पे क्या पुट कर देंगे 2। तो 7 इंटू 2 प्लस 5 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो ये 19 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 19 है दोनों इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे n इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है 4p माइनस 3 और राइट हैंड साइड पे गिवन है 30। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम p की जगह क्या पुट कर देंगे 1। तो ये आ जाएगा जहां जहां p है हम वहां पे क्या लिख देंगे 1 4p 4 इंटू 1 माइनस 3। तो ये आंसर आ जाएगा 4 1 का 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाले 1। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू है 13 के। तो p इज इक्वल टू 1 इज ए नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्योंकि लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है। तो p इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही e पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है 4p माइनस 3 राइट हैंड साइड पे गिवन है 30। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम p की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस 4। तो ये आ गया 4 इंटू माइनस 4 माइनस 3 आंसर आया माइनस 16 माइनस 3 4 4 का 16 प्लस माइनस 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 3। तो 16 में से माइनस 3 माइनस माइनस किया तो प्लस बट साइन बड़ी टर्म का। तो राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है आपको माइनस 13। तो माइनस 19 नॉट इक्वल टू 13। ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है तो लिख देंगे p माइनस 4 इज ए नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। f पार्ट में देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 4p माइनस 3 राइट हैंड साइड
गिवन है 30। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम p की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। ये आ गया 4 × 0 − 3। जहां जहां p है वहां पे 0 लिख देंगे, 4 × 0 − 3। तो आंसर आ गया 0 − 3, तो ये −3। तो −3 जो है नॉट इक्वल टू 13 के है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे P = 0 इज ए नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।